नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राइट टू एजुकेशन के इस चैनल में। आज हम करने वाले हैं कि हरियाणा को कौन कौन से राज्य की जो है सीमा टच करती है और कौन से राज्य की सीमा इसको सबसे लंबी है वो है देखेंगे, और साथ में हम ये देखेंगे कौन से राज्य की सीमा इसको बहुत कम टच करती है, ये चीजें हम आज जानेंगे। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि हरियाणा का जो भौगोलिक स्थिति है वो कैसी है, कहाँ पर ये वर्ल्ड में आता है, और ये मैंने आपको बकायदा समझाया भी था, वहां पे दिखाया था कि कैसे हम अक्षांश और देशांतर को निकालते हैं। अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। आपका ही बेनिफिट है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि अक्षांश देशांतर क्या होते हैं और उसमें हम चीजें कैसे निकालते हैं। और इससे पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि हरियाणा जो है भारत में उत्तर पश्चिमी राज्य है। जैसे कि मैप देखिए यहाँ पर भारत का, यहाँ पर भारत में ऊपर है उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व आपके सामने आ रहा है, और जो ये रेड कलर में है ये है हरियाणा। और जो हरियाणा है यहाँ पर ये जो है उत्तर हो गया, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व हो गया, तो इस हिसाब से ये हमारा हरियाणा भारत में तो आना उत्तर पश्चिम के राज्य में आ रहा है। और हमारे जो मैंने ऊपर यहाँ पर लिखा है उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, ये दिखाने के लिए कि हरियाणा के उत्तर पश्चिम कहाँ है। और हम इसी के बेस पे अब देखने वाले कि उत्तर में कौन सा राज्य है, दक्षिण में कौन सा, पश्चिम में कौन सा, पूर्व में कौन सा। चलिए फिर इसको देखिए, अब ये देखिए जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है आप देख सकते हैं कि ये है उत्तर, ये हो गया पश्चिम, ये दक्षिण, ये हो गया पूर्व। अब उत्तर में जो है, उत्तर में इसके हिमाचल प्रदेश आते हैं, उत्तर में इसके हिमाचल प्रदेश आ गया, और हिमाचल प्रदेश के साथ इसकी कौन कौन सी राज्य सीमा, कौन कौन से जो जिले हैं उस पर टच करते हैं, पंचकुला हो गया, अंबाला हो गया, यमुनानगर हो गया, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, P A M Y, P A Y, पे, आपने सुना ना पेटीएम, पेटीएम का पे है यहाँ पर, एम यहाँ से पेटीएम का पे है यहाँ पर, टीएम यहाँ पर गायब है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पे से जो है पैसे जो है वो पे करते हैं, कुछ चीजें लेते हैं, तो पे जो है वो इसकी एक ट्रिक बनाना चाहे तो बना सकते हैं। वैसे इतना कोई हार्ड नहीं है कि यहाँ से आपको पता ना चलेगा कि कौन से ऐसे जिले हैं जो टच करते हैं हिमाचल प्रदेश को, तो कौन से, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। अब यहाँ देखिए ये पश्चिम है, पश्चिम में कौन सा आ रहा है, पंजाब आ रहा है, पंजाब के साथ कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो टच करते हैं, अंबाला हो गया, पंचकुला, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र आप देख सकते हैं यहाँ से कुरुक्षेत्र टच कर रहा है, कैथल हो गया, जींद हो गया, फतेहाबाद हो गया और सिरसा हो गया, तो कितने हो गए, अंबाला, पंचकुला 1, अंबाला 2, कुरुक्षेत्र 3, कैथल 4, जींद 5, फतेहाबाद 6 और सिरसा 7, टोटल हो गए 7 राज्य। तो कौन कौन से हैं फिर से एक बार और देख लीजिए, यहाँ पर देखिए पंजाब के साथ जो टच कर रहे हैं कौन कौन से होंगे जिले, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद, सिरसा, 7 राज्य हैं जो पंजाब के साथ अपनी, सॉरी, 5, 7 ऐसे जिले हैं जो पंजाब के साथ टच करते हैं हरियाणा के। अब यहाँ पर देखिए ये है राजस्थान, तो अभी राजस्थान जो है ये दक्षिण हो गया, राजस्थान जो है वो दक्षिण के, यहाँ पर दक्षिण है, ये दक्षिण है, दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम हो गया, तो दक्षिण पश्चिम और दक्षिण में इसकी साइड कौन सा है, राजस्थान, तो राजस्थान के कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो राजस्थान से टच कर रहे हैं, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी नहीं है यहाँ पे, चरखी दादरी भी आप देख सकते हैं कि टच नहीं कर रहा है, अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो देखिए ये यहाँ पर टच नहीं कर रहा है, तो अब आपको क्लियर हो जाएगा इससे अच्छे से। तो कितने जिले हैं जो राजस्थान के साथ टच कर रहे हैं, सिरसा 1, फतेहाबाद 2, हिसार 3, भिवानी 4, महेंद्रगढ़ 5, तो कितने राज्य होंगे जो, महेंद्रगढ़ 5, रेवाड़ी 6, नू, नू कौन सा हो गया, सातवां, सातवां जिला ऐसा हो गया जो